अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको पता है आज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। तो आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आज मैं आपके साथ पेपर एनालिसिस करूँगा कि पेपर कैसा था और सेफ अटेम्प्ट कितना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्त से शेयर भी करो। दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो पेपर मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने पेपर देखा, तो मैं कह सकता हूँ जो पेपर की जो लेवल थी दैट वाज मॉडरेट। ये पेपर मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी लगे, कुछ थोड़े से टफ भी थे, तो वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कौन सेक्शन ज़्यादा टफ था। तो अगर सबसे पहले हम जीके की बात करेंगे तो जीके मेरे हिसाब से ये तो ठीक ही थी, ईजी थी जीके। तो अगर आपका सीख यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट वाज 30, अगर किसी बच्चे ने राइट किए हैं 24, तो वो भी सेफ अटेम्प्ट है फॉर जीके, आई एम सेइंग। तो नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे, दैट इज़ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत क्रिटिकल मुझे लगे, जो बहुत कंसेप्चुअल थे, तो कुछ ईजी भी थे। तो मेरे हिसाब से जिस बच्चे ने 20 से ऊपर यानी कि 22 तक ठीक किए हैं, इट इज़ अ सेफ अटेम्प्ट, उसने ठीक ही किया है। अगर इसको ये 22 अकाउंटेंसी में आते हैं तो ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश की, भाई साहब ये तो बहुत इजी था जनरल इंग्लिश। इसमें एक क्वेश्चन जो मुझे टफ लगा, बाकी नौ क्वेश्चन वो ईजी थे। तो उसके लिए जो जिस बच्चे ने 9 मार्क्स आए होंगे, जिसने ठीक किए हैं 9 क्वेश्चंस, तो उसका भी जो सेफ अटेम्प्ट दैट इज़ गुड, उसने भी अच्छा किया है इसमें। तो फिर से हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स और एक सेक्शन जिसमें 10 क्वेश्चंस थे। तो ये मुझे एक दो क्वेश्चन इसमें थोड़े टफ लगे, बाकी इसका जो जिस बच्चे ने 7 मार्क्स जिसके आते हैं दैट इज़ वेरी गुड फॉर हिम। तो 7 क्वेश्चंस। उसके बाद अगर हम देखेंगे मैथमेटिक्स की बात करेंगे, तो मैथमेटिक्स मुझे टफ ही लगा। एक दो क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस में कह सकता हूँ दैट वेर इजी, जो कोई भी कर सकता है। तो जिस बच्चे ने 4 क्वेश्चंस इसमें किए होंगे उसका भी अच्छा है, जिसके 4 मार्क्स आए होंगे आई एम सेइंग, उसने भी अच्छा किया है। फिर हम देखेंगे जनरल इकोनॉमिक्स। भाई साहब ये तो बहुत इजी लगा मुझे, जनरल इकोनॉमिक्स का जो सेफ अटेम्प्ट है, अगर किसी बच्चे ने 8 मार्क्स जिसको आए होंगे तो उसने भी अच्छा किया है 8 मार्क्स इकोनॉमिक्स के। उसके बाद अगर हम देखेंगे जनरल साइंस की, तो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती थी, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 103 ये मैं कह रहा हूँ, इसमें भी कुछ डाउट है मुझे। तो मेरे हिसाब से 9 क्वेश्चन इसमें भी आने चाहिए आपको, तो 9 क्वेश्चंस। उसके बाद अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर बहुत इजी आया था, तो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसका जो आंसर था दैट वाज वैन, WAN, इंटरनेट नेटवर्क। इसका जो मैक्रॉन्स आंसर था नॉन इम्पैक्ट, और इसका ए पार्ट था, इसका मुझे पता नहीं अभी। सेटलस में हम डिजिटलाइजर इज़ अ राइट आंसर, और इसमें जो ये ट्रिकी क्वेश्चंस था, ये बहुत ट्रिकी था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। उसके बाद USB ड्राइव इज़ अ राइट आंसर इसका, इसका पेज लेआउट था, और इसका जो आंसर था दैट वाज डायरेक्ट वायरस। तो इसमें भी 8 क्वेश्चंस ठीक ही हैं, जिसने किए होंगे अच्छे से 8 क्वेश्चंस, उसका भी ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करेंगे कि पेपर जो था दैट वाज, मेरे हिसाब से जो अगर हम पेपर की लेवल की बात करेंगे, तो मेरे हिसाब से जो पेपर था दैट वाज फ्रॉम मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं हम, या ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मॉडरेट ही था। तो आप कमेंट ज़रूर बताइए, कमेंट करके, कि आपने कितने क्वेश्चंस राइट किए। तो अगर उस हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया कि सेफ अटेम्प्ट किस सब्जेक्ट में कैसा रहा, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से
मेरे हिसाब से जो अगर किसी बच्चे को 90+ क्वेश्चंस जिसने ठीक किए होंगे तो चांसेस है सिलेक्शन होने की। और मैं आपको एक बात बताऊं, कट ऑफ बहुत हाई होने वाला है, रहेगा कट ऑफ बहुत हाई होगा कट ऑफ इस साल इसका। तो जिस बच्चे ने 90+ क्वेश्चंस जिसने करेक्ट किए हैं और जिसको 90+ मार्क्स आए हैं की चेक करके, चाहे आपने इंटरनेट से देखा होगा या किसी बुक से, तो 90+ जिस कैंडिडेट के भी मार्क्स आते हैं तो आपकी सिलेक्शन डन है। बाकी कैटेगरीज के लिए भी डिफरेंट होगा, ईमान इतना ज़्यादा भी नहीं होगा, 2-3 मार्क्स उधर इधर। तो हम कह सकते हैं जो 90+ और 85+ फॉर कैटेगरीज इज़ अ सेफ अटेम्प्ट। तो क्योंकि पेपर की लेवल अगर देखेंगे तो इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि पेपर इतना ईजी होगा। कुछ क्वेश्चन ईजी थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ डिफ़िकल्टी भी लगे होंगे स्टूडेंट्स को। तो हम एक और वीडियो इस पर ज़रूर बनाएंगे जिसमें हम आपके साथ की डिस्कस करेंगे किस क्वेश्चन को क्या राइट आंसर था। तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट में अपना क्वेश्चंस जो कितने आपने किए क्वेश्चंस, तो उसे हमें एक फिर हम आपके साथ एक और एनालिसिस करेंगे इस पर। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक।